कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरि। हे भगवान, तू सबका भला कर, इसको दे उसको दे मुझे भी दे सद्बुद्धि। दादी दादी प्रसाद दू ना। थैंक यू दादी। दाद उसे भी या तो मुझे भी दो। जरूर दूंगी। लो बेटा। बस सिर्फ प्रसाद के बखत आएंगी ये बेटियां। तू सबका भला करता है, एक पोता होता तो मुझे मोक्ष मिल जाती, अब न जाने क्या मिलेगा मरने के बाद। भगवान एक पोता दे दो। पोता पोता पोता, दिन रात एक ही रट लगाए रहती, पोता चाहिए। बच्चियों को कोसने के अलावा और कोई काम नहीं है उनको, पता नहीं उनको पोता क्या दे देता। अरे कौन किसे क्या देता है पल्लवी, ये सिर्फ कहने सुनने की बात है, मन को समझाने के अलावा और कुछ नहीं है। कितना समझाऊं मन को, 5 साल हो गए समझाते समझाते। इतना गुस्सा क्यों है, क्या हो गया? देखो सुबह सुबह सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, बस सुबह नहीं हुई कि तुम्हारी माँ का रटा रटा श्लोक सुनने को मिलता है, पोता चाहिए, दिमाग खराब करके रखती है। पल्लवी देखो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनको यही लगता है, पुराने ख्यालात की है ना माँ, इसीलिए कहती रहती है। लेकिन तुम तो समझदार हो, तो थोड़ा धीरज रखो ना। कब तक धीरज रखूं, जब छोटी 5 साल की हो गई और तब से धीरज रखा हुआ है मैंने, अब मेरे से धीरज नहीं रखा जाता। अपनी माँ को समझा लो ना। अच्छा ठीक है मैं शाम को आकर माँ से बात करूंगा। हाँ ठीक है, अब रोना बंद करो और जाके नाश्ता लगाओ, भाई देर हो रही है, मुझे जाना है। भगवान कब खत्म होगा ये। दामू बेटे। हाँ माँ। चलो खाना खा ले। खुरपी को धार लगा लूं, खरपतवार जो निकालनी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद जितना करना हो अपना काम करते रहियो, और गरम खाना तंदुरुस्ती के लिए अच्छा होता है। चल चल उठ। आया माँ, एक मिनट। सुनो जी,
हाँ रजो, खाना खा लो ना, ठंडा हो रहा है। मैं धार लगा देती हूँ। ठीक है। मैं पानी ले आती। क्या बनाया माँ ने आज? पूरी। कैसा है? अरे काले काका। अरे रामू बेटा। धीरे से धीरे से। राम राम काका। राम राम राम। कैसे हो? खुश रहो खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। और बेटियाँ ठीक है ना? और घर परिवार में सब ठीक ठाक? सब अच्छा है, आपका आशीर्वाद है काका। वैसे आप इस उम्र में भी काफी मेहनत करते हैं। अरे क्या करे बेटा, अब हम ना करेंगे तो कौन करेगा? रही बात आशीर्वाद की, अरे हम तो मामूली इंसान है, आशीर्वाद तो भगवान का होता है। अब भगवान के सामने हम इंसानों की क्या विसात। काका हमारे लिए तो आप जैसे बड़े बुजुर्ग ही भगवान हैं। आप लोगों का ही आशीर्वाद चाहिए हमें। जिंदगी में बड़े बुजुर्गों का साथ जितना मिलता है उतना कम। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन क्या है ना कि वक्त बदल गया है। अब लोग कहाँ बड़े बुजुर्गों का मान मनोबल रखते हैं। अब तुम जैसे कितने हैं जो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं। सब मतलब ही हो गए बेटा। जब तक अंतिम में रकम है तब तक पूछे बस। हाँ काका आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल लोग अपने अपने मकसद पूरा करने में लगा हुआ है बस। बड़ों का लिहाज खत्म हो रहा है, आंखों में शर्म भी नहीं बची। अब बताइए क्या करें। क्या है ना बेटा, समय ही ऐसा है। आजकल इंसान इंसान को ही नहीं समझता, बस लूट खसोट के बारे में सोचता रहता है। अब तुम ही बताओ भला ऐसा इंसान की आंखों में शर्म क्या होगी? आंखों की बात तो छोड़िए काका, शहरों में और बुरा हाल है। इसलिए मैं अपने स्कूल के बच्चों को तो यही सिखाता हूँ कि वो अपने घर परिवार मोहल्ला बड़े बुजुर्गों का आदर करे सम्मान करे, तभी बनेगा बड़ा आदमी। वाह बेटा वाह, बड़े उम्दा विचार है तुम्हारे। तुम एक शिक्षक का फर्ज जो है ना बहुत अच्छी तरह निभा रहे हो। देख लेना एक दिन तुम और तुम्हारा परिवार इस गांव का नाम रोशन करेगा। अरे काका ऐसा सौभाग्य कहाँ है। ये जो नाम रोशन करते हैं ना ये लोग कुछ अलग ही होते हैं। भगवान उन्हें बहुत सोच समझ के अलग तरीके से पैदा करते हैं। नहीं बेटा नहीं, तुम गलत कह रहे हो। समय जो है ना एक दिन बदलता ही है, और देख लेना तुम्हारा भी समय बदलेगा, फिर तुम इस अनपढ़ काका की बात याद करोगे। बेटा ये जो आ रहा है पहचानते हो इसे? पहचानो कौन है वो? नहीं काका नहीं पहचान पा रहा हूँ। वो क्या है ना 25 साल बाद गांव आया तो सबको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, और वैसे भी अभी अभी 4-1 दिन ही हुआ है आया हुआ तो। जयराम जी। जयराम जी की। घर परिवार में सब ठीक है? सब ठीक। खुश रहो। जयराम जी की। जयराम जी की। नहीं पहचान पा रहा हूँ। सही बात है, लेकिन मैं एक इशारा दे देता हूँ। ये जो आ रहा है ना वो इस गांव का बड़ा नेक इंसान है, और तुम्हारा दोस्त भी है बचपन का। जय राम जी की काका। राम राम जी।
देखते हैं ये तुम्हें पहचानता है कि नहीं। राम राम काका। राम 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 राम। भाई लागू। हाँ खुश रहो खुश रहो। और दामू खेत की तरफ जा रहे हो? हाँ काका, खेतों की देखभाल तो घर परिवार और बच्चों की तरह करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कौन है, पहचानो? काका ये तो रामू है ना, फौजी काका का बेटा। अरे इसे कैसे नहीं पहचानता, हम लोग साथ में पढ़े हैं काका। दामोदर। दामोदर। अरे दामोदर क्या, दामू मेरे लिए तो दामू है। कैसा है तू? बहुत बढ़िया, तू कैसा है बता? मैं एकदम अच्छा हूँ। कमाल हो गया काका, मेरा दामू को मिला दिया आपने। काका एक बात बताओ, हमने इसे पहचाना कैसे? अरे बेटा तुम्हारी फितरत मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कोई ना कोई राज बताओ। बताओ कैसे पहचाना इसे? अरे काका ये और मैं एक क्लास में साथ पढ़ते थे, और एक बात बताऊं, हम सब मिलके इसकी नाक खींचा करते थे, और काका ये चिढ़ता भी बहुत था, अलग जाके मुंह फुला के बैठ जाता था। लेकिन मानाने भी यही आता था। लेकिन दामू एक बात तो है, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, अरे इसलिए तो हम तुम्हें गांव में सबसे अलग मानते हैं। दामू बहुत सारी बात करनी है तुझसे, पुरानी यादें भी ताजा करनी है ना बचपन की, लेकिन अभी थोड़ा स्कूल के लिए देर हो रहा हूँ मेरे भाई, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन शाम को जरूर आऊंगा, बातें करूंगा बहुत सारी। पक्का? हाँ पक्का, चलता हूँ काका। हाँ आऊंगा मैं। घर तो याद है ना तुझे? अरे बिल्कुल याद है, घर कैसे भूल जाऊंगा, वहीं पे तो इतनी सारी शरारतें करते थे। अरे संभाल के बेटा, स्कूल में मास्टर है ये। अच्छा। अरे वाह बहुत तरक्की की इसने। आप ठीक कह रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खाद पानी और बीज के दाम आसमान को छू रहे हैं। खेती बाड़ी वाकई बहुत मुश्किल हो गई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। शहर जाओ काम करने के लिए तो खेती बाड़ी छूट जाती है, किसान वाकई में बहुत परेशान है आज। दामन मिट्टी का। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का। आप ठीक कह रहे हैं, खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खाद पानी और बीज के दाम आसमान को छू रहे हैं। सही कह रहे हैं, खेती बाड़ी वाकई बहुत मुश्किल हो गई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। शहर जाओ काम करने के लिए तो खेती बाड़ी छूट जाती है, किसान वाकई में बहुत परेशान है आज। हाँ भाई आप भी ठीक कह रहे हो, शहर जाने और आने में इतना टाइम खराब हो जाता है कि किसान थक जाता है, तो फिर वो खेत की देखभाल कैसे करेगा। अच्छा सरपंच जी आप ये बताइए, पिछले दिनों आप कह रहे थे कि सरकार की कुछ स्कीम आने वाली है, क्या हुआ उसका? हाँ भाई जब मैं शहर गया था तो बीडी साहब से मिला था, बीडीओ साहब बता रहे थे कि सरकार कोई नई स्कीम हमारे गांव के लिए लाने वाली है, लेकिन अब कब आएगी ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। वाकई किसानों के लिए कुछ बड़ा हो जाए तो अच्छा है, वरना जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप पता कीजिए ना बीडीओ साहब से कि नई स्कीम कब तक आएगी। 1-2 दिन में मैं शहर जाने वाला हूँ, बीडीओ साहब से फिर से मिलूंगा तो पता करूंगा कि ये स्कीम कब तक आएगी। उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ करेगी हम सब के लिए। अच्छी बात है। नमस्ते जी, चलता हूँ।
चलता हूं। बाबूजी, आपको पता है ना, वो फौजी काका का परिवार गांव में आके रहने लगा है। हाँ, मुझे मालूम है। तुम लोगों को बताना ही भूल गया था, मुझे कल ही पता चला, लेकिन काम के चक्कर में दिमाग से बात निकली गई। दामू, तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना रामू से? रामू ही नाम है ना उसका? हाँ बाबूजी, रामू ही नाम है उसका। हाँ। आज सुबह जब मैं खेत पे जा रहा था तो काले काका से बतिया रहा था वो। अरे बहू, आ जा ना, तू भी खाले साथ में। जानती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, दोनों एक साथ पले बड़े हैं, खेले कूदे हैं, दोनों में पक्की दोस्ती थी। वो कहते हैं ना, लंगोटिया यार। और हाँ, उनके परिवार से भी ना हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता था। हाँ जानती हो माँ, वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। जब काले काका ने उसे मुझे पहचानने के लिए कहा तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया, बल्कि मैंने उसे पहचान लिया। उसके बाद बचपन की सारी यादें ताजा हो गई और खूब मिलकर हंसे हम लोग। दम बेटा, ये सब तो दूध, बादाम, छाछ और साफ सुथरी हवा का कमाल है। सही कह रहे हैं बाबूजी। इन्हें स्कूल मास्टर की नौकरी सामने से आई है, वो भी खुद चल के। कर ले भाई, नौकरी कर ले। अरे नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी। कहना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल। दामन में टीका। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दामन में टीका। बढ़िया। राम राम चाचा जी। राम 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 बेटा, जीते रहो जीते रहो। चाचा जी पाले। जी अभी क्या, बैठ। बड़ी लंबी उम्र है। रामू, अभी हम सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अरे कब आया? अभी आया अभी। कैसा है तू? बढ़िया। बैठ बैठ बैठ, आजा। सब ठीक ठाक? एकदम सब। अच्छा चाचा जी, सब खैरियत? सब खैरियत है। क्षमा कीजिएगा, हमें वो आने के बाद थोड़ा साफ सफाई और सेटिंग वेटिंग में वक्त लग गया, इसीलिए आपसे मिलने नहीं आ पाए। सही किया बेटा रामू, घर गृहस्थी जमाना भी तो जरूरी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम लोग गांव में वापस आ गए। अपना गांव अपना ही होता है। और बहन जी कैसी है? माँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है, तंदुरुस्त है। अब माँ की यही इच्छा है कि गांव में आकर रहे। वो क्या है ना, इसी गांव में उनकी यादें बसी हैं। अब उनका कहना भी तो नहीं टाल सकता था मैं, इसीलिए आ गए। नहीं नहीं बिल्कुल सही किया बेटा, अपना गांव अपना ही होता है और यहाँ सब अपने ही तो है। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेटा, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो हैं। तुमने अपने फौजी पिता के साथ पूरी दुनिया देखी। बेटा अपने बचपन के दोस्त को समझा, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। जी वो
बाबूजी जी छाछ। हाँ हाँ लाओ ला। बेटा ये रज्जो दामू की पत्नी और ये मेरे बचपन का दोस्त। ओह नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। अरे आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए छाछ लेकर आती हूँ। माँ जी आप लेंगी छाछ? नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। भाभी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ चाचा जी देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन आप क्या करें बताइए, पता नहीं इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली बात क्या है? और फिर खेती बाड़ी कौन करेगा? और फिर बाबूजी की सेहत? नहीं नहीं ये मुमकिन नहीं है। खेती बाड़ी मैं समझ रहा हूँ बेटा, वक्त बदल रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, रही बात मेरी सेहत की तो थोड़ा थोड़ा काम तो मैं खेतों में कर ही रहा हूँ। और हम भी तो है ना, हम भी तो थोड़ा बहुत काम करते ही हैं। और फिर हमारी बहू भी है, वो भी तो बहुत बड़ी सहारा है। छाछ बहू जी, रामू आए हैं, आज हम सब मिलके एक साथ खाना खाएंगे, तैयारी कर लो। जी माँ जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं चाची जी, आजकल परिवार के सभी खेतों में हाथ बटाते हैं। लेकिन मुझे देखिए, मेरी किस्मत में ये खेती बाड़ी कहाँ है, अब खेती तो रहे नहीं, अब एक छोटा सा घर है बस। लेकिन आपसे एक बात कहूँ चाचा जी, अगर मेरे पास खेती होती भी ना तो मैं खेती भी करता और नौकरी भी, दोनों साथ में करता। सही कहा बेटा रामू, सही कहा। इसे समझाओ, इन्हें स्कूल मास्टर की नौकरी सामने से आई है, वो भी खुद चल के, इसे छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, समझाओ इसे, समझाओ। कैसा मौका था वो, तूने तो मुझे कुछ बताया नहीं। भाई बता तो सही, कौन सा मौका मिला है? रामू बेटा ये क्या बताएगा, मैं बता, इसे शहर में स्कूल मास्टर की नौकरी मिली, वो भी खुद चौखट पे चल के आई। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है दामू, कर ले भाई नौकरी कर ले, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। अरे नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी, कहना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल। बेटा रामू तू ही हेड मास्टर खुद चौखट पे चल के आया था, भला ऐसा कोई करता है? और तुझे पता है तेरा बचपन का दोस्त स्कूल में संस्कृत में अव्वल नंबर पूरे सूबे में आया है। अच्छा भाई तू तो बड़ा छुपा रिस्तम निकला, हाँ ये सब तू मुझे बताया ही नहीं। भाई एक बात बता, आजकल संस्कृत के विद्वान कहाँ मिलते हैं, तू तो किस्मत वाला है भाई, नौकरी घर चलकर आई है तेरे पास। बेटा रामू तू ही समझा, हम इसे चार दिन से समझा समझा कर हार गए, पर इसके भेजे में बात आती ही नहीं, जू तक नहीं रेंगती इसके कान में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं समझाऊंगा इसे, बचपन का दोस्त है, नहीं समझेगा तो पिटेगा। खाना लग गया है, आप लोग आइए। चलो रामू खाना लग गया, आओ आइए चाची जी। भजले गोविंद हरि, भजले गोविंद भजले, वाह है, कहाँ से आ रही है, जो भी है लेकिन खुशबू है बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ सब जगह देखा कोई है भी नहीं तो खुशबू आई कहाँ से। मुझे तो संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला है, लेकिन पता नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है और ये कृषि विज्ञान केंद्र आपकी उपज और फसल को बढ़ाने में मदद करेगा। पर इसमें लागत कितनी लगेगी?
बिल्कुल मुफ्त होगा। इसमें किसान भाइयों का एक आना भी नहीं लगेगा और यही बताने के लिए मैं आया हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मन छोटा मत कर रामू, बड़े बुजुर्गों का मन अपनी मिट्टी में ही लगता है। वो सारी जिंदगी कहीं भी रह लें, उन्हें अपनी मिट्टी की याद सताने लगती है। इसी को तो कहते हैं दामन मिट्टी का। कुए का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।